गर्भ ज्ञान, गर्भ चेतावन, ये क्या है? गर्भ ज्ञान क्या है? ये बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि गर्भ ज्ञान क्या है। गर्भ ज्ञान ईश्वर की एक ऐसी कृपा है जो गर्भ ज्ञान से अवध करा करके जीव को जीव नहीं रहने देते और जीव का जन्म मरण से अलग करने का उनका अधिकार बन जाता है। ये जरूरी नहीं कि आज जो कन्या जन्म ली है अभी, उसमें केवल उसी का जीव सत्ता है। उनके शरीर के अंश में पूर्व से स्थापित सम्यक अर्थात समय का इंतजार करते हुए दूसरा जीव भी है, लेकिन उसकी स्थिति कुछ और ही है। ये कहना नहीं भूलूंगा कि एक शरीर में प्राण की 10 अवस्थाएं हैं, उस प्राण में उस जीव की क्या स्थिति होती है ये गर्भ ज्ञान से ही पता चलता है और गर्भ चेतावनी से ही पता चलता है। खास करके दरिया साहब ने गर्भ चेतावन में कुछ कहा है, मास रहा नौ गर्भ में सीधा मनुष्य टंगाए, बिन भय का था पल रहा अब भय से करता हाय, आंख नाक मुंह कान बंद पर दिखता था जग सारा, मिलन होता था शब्द ब्रह्म का समय वही था न्यारा, जो आज शिशु संसार में जन्म लेकर के आया वो शब्द से भी अलग नहीं है, अक्षर से भी अलग नहीं है और क्षर से भी अलग नहीं है। जीव सत्ता तो है ही है, उसके अंदर में एक और सत्ता है ब्रह्म सत्ता, जो कि पूर्व निर्धारण है। पूर्व निर्धारण का मतलब होता है जिस समय सृष्टि हुई थी उसी समय उसे यह हिदायत दिया गया था कि इस काल में इस समय में उस गर्भ से तुझे जाना है निकल करके। इसे प्रारब्ध में जानने का प्रयास करें, इसी को प्रारब्ध भी कहते हैं कि परमात्मा ने प्रारब्ध क्यों बनाया, संस्कार क्या होता है, प्रारब्ध क्या है, यह गर्भ ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है कि गर्भ ज्ञान जब शिशु अंदर में शरीर धारण करता है उससे पहले भी गर्भ ज्ञान की अवस्था में आने के लिए इंतजार करता हुआ वो जीव को पता होता है कि मुझे शरीर में जाना है। इसे प्रमाणित करने के लिए आज प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत पहले प्रमाणित किया जा चुका है। शास्त्रों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ दिया, वेदव्यास जी ने बहुत कुछ बताया, श्रवण कुमार की जो उत्पत्ति है, श्रवण कुमार का जो आगमन है वो गर्भ ज्ञान से ही संबंधित है। श्रवण कुमार के माता और पिता दोनों को अंत अंत तक के यही मालूम था कि मुझे संतान नहीं होंगे, लेकिन समय आया, संतान की उत्पत्ति हुई और उन्होंने अपने उस संतान का मुख नहीं देखा, अंधा और अंधी बन गए, क्योंकि उनके भाग्य में, भाग्य रेखा में यह लिखा था कि तुम संतान के मुंह नहीं देख सकते। और इधर विष्णु भगवान ने एक आशीर्वाद दे दिया, किसी प्रकार से पुत्रवती भवा और आप पुत्रवत हो जाएं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाउंडरिंग होने लगा, लड़ाई होने लगा, खींचातानी हो गया। वर्मा जी ने देखा, उठा करके
उस शास्त्र को जो इनके भाग्य रेखा में क्या लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा था कि तुम संतान का मुख नहीं देख सकते। ठीक है, नहीं देख सकते, लेकिन विष्णु ने जो वरदान दिया कि पुत्रवती भव, उसका क्या होगा? तो होगा संतान, लेकिन अंधे हो जाओगे। ये गर्भ ज्ञान से संबंधित और प्रारब्ध की बात का चर्चा कर रहा हूं, जो शास्त्र से अलग की बात है। ये ऐसा किसी शास्त्र में बोधित नहीं है कि श्रवण कुमार जिस आयु जिस अवस्था में अपने माता पिता के शरीर से उत्पन्न हुए, क्या वो शारीरिक बंधन था? नहीं, वो केवल परमात्मा के आशीर्वाद से कान से शब्द श्रवण करके तो आए, इसलिए उनका नाम श्रवण कुमार ही पड़ा। श्रवण कुमार अर्थात उसी समय हर्षोल्लसित हो गई उनकी माता, उसी समय वो गर्भवती हो गई। परमात्मा की वाणी को सुनने के बाद आज भी वो व्यवस्था है कि संत ऋषि मुनि भक्तगण योगी जन स्वात्म द्रष्टारो भव, अपने आत्मा का दर्शन करते हैं, वही परमात्मा का दर्शन है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप जितने भी इस शीर्षक को सुनने वाले हैं, मैं नमन करता हूं। नमन का अर्थात अपने मन को समाप्त करता हूं, आज अपने मन की उस पूर्णता को कि मन ना रहे, तो उसका एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, नमन अर्थात मन का नहीं होना।